खाने में मक्खन मलाई, नहाने में गंगा, पहनने में लखनऊ का कुर्ता सूट साड़ी, ये हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है। लखनऊ के अवधी जायकों का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता है और जायकों की बिसात पर यहाँ की बिरयानी का ओहदा किसी वजीर से कम नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। और अगर वो बिरयानी हो इदरिस की तो उसका मयार यहाँ सबसे अव्वल है। और यही थी मेरी आज की पहली मंजिल, इदरिस बिरयानी। ये मंडी चौक क्रॉसिंग है और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे इदरिस बिरयानी की तरफ। इसकी शोहरत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि आप किसी शख्स से पूछेंगे तो आपको वहाँ तक छोड़ कर आएगा। ये देखें, इदरिस बिरयानी का आप मशहूरियत का अंदाजा लगा लें। मैं अभी चौक पे ही था और ये भाईजान मेरे को मिले और ये कह रहे हैं मैं आपको वहाँ तक छोड़ के आऊंगा। क्यों जी? चलिए इंशाल्लाह हम आपको छोड़ के आएंगे। चलिए। कहते हैं अगर स्कूल का हेडमास्टर सख्त हो तो वहाँ के कायदे कानून बिल्कुल दुरुस्त रहते हैं और वहाँ सिर्फ 10 मिनट खड़े होने पर इदरिस बिरयानी अपने आप में इतना बड़ा नाम क्यों है, मुझे इसका राज पता चल चुका था। ये हैं जनाब अबू बकर जी, यहाँ के कर्ता धर्ता। मैं यहाँ जब आया तो ये गोश्त के एक एक टुकड़े का अपने हाथों से जायजा ले रहे थे और नापसंद टुकड़ों को नकारते जा रहे थे। मिजाज में आज थोड़ी तलखी सी थी और गोश्त वाले से ज़रा बहस भी हो गई। खैर, बेहतरीन गोश्त छांटकर उसे अच्छी तरह से धोने के बाद उसमें नमक, मसाले और तेल डालने का काम शुरू हुआ और यहाँ खड़े मसालों का भरपूर इस्तेमाल होता है। दूसरी यहाँ की खास चीज़ ये है कि जो भी कुछ यहाँ पकता है, मसलन दाल, मटन, कोरमा वगैरह, उन सब के लिए कोयले की भट्टियों का ही इस्तेमाल होता है। नूर से भर दे भला मन को, नूर से भर दे। और कोयले की धीमी आंच पर जब खड़े मसालों से भरपूर मटन पकता है तो उसकी खुशबू सारी फिजा में फैल जाती है। तेरे नूर ही का कमाल है जो है कायनात में हर जगह। तेरे नूर। अभी सुबह के करीबन 9 बज रहे थे और लोगों का तांता लगना शुरू हो गया था और अंदर भी काफ़ी लोग यहाँ के खाने का लुत्फ ले रहे थे। बिना देर किए मैंने भी जल्दी से अपने लिए मटन बिरयानी ऑर्डर कर दी। भाई ये प्लेट मैंने मंगवा ली है, ये है इदरिस की जादुई बिरयानी। और ये आप गोश्त का पीस देखें ज़रा, आपको देखने भर से ये परतें महसूस हो रही होंगी इसके बीच में। गोश्त का पीस और ये करते हैं लाल, बिल्कुल महसूस हो रहा होगा मटन का पीस है। देखें जी, बिरयानी का सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट ये है कि इसका फैलाव देखा जाता है। और आप ये देखें, चावल के दाने एकदम एक दूसरे से चिपकने नहीं चाहिए और ये बिल्कुल अलग-अलग अलग-अलग अलग अलग हो रहे हैं। और सेकंड टेस्ट है इसकी खुशबू। जबरदस्त। और तीसरा है इसका टेस्ट। बिरयानी के अंदर ना स्पाइसेस आप इसको ओवर पावर नहीं करने चाहिए और ये बिल्कुल यही कर रही है। आपको फील भी हो रहे हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिरयानी एक्चुअल को सुपरसीड कर रही हो। बहुत ही आला, बहुत मज़ेदार। और अब मैं खाने लगा हूँ मटन बिरयानी का एक बड़ी सी बाइट मटन के साथ। मटन का पीस है, जाते ही आपको परतें फील होती हैं उसकी। मसालों का बड़ा पेक्यूलियर टेस्ट है और वेरी सॉफ्ट टेंडर, ऑलमोस्ट मेल्टिंग इन माय माउथ।
बहुत ही आला जी, मज़ा आ गया खा के। और इसके अलावा यहाँ पर दूध और घी के कुलचे भी मिलते हैं। दूध घी का कुलचा, अरे वाह क्या बात है, दूध घी का है, मज़ेदार मज़ेदार। और ये शीरमाल है। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो पाटा नाला में जो पुलिस चौकी है, इदरीस बिरयानी ठीक उसके ऑपोजिट है। भाई ये हैं जी इदरीस बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम सभी को। ये हैं इदरीस बिरयानी के खैरख्वाह इस दस्तरखान के नवाजी। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर बिरयानी का जब भी जिक्र होगा ना लखनऊ के अंदर, तो इदरीस बिरयानी का नाम सबसे पहले आएगा। और फजीलत है, आप लोगों की मोहब्बत है, बुजुर्गों की दुआएं हैं। मैं इतलाक नहीं हूँ, बस अल्लाह ने बस मदद। देखें मैं पहले ना ये सुनता था, और जब मैंने आज आंखों से देखा ना किस तरह से आप एक एक गोश्त का टुकड़ा खुद अपने आंखों से देख के, और जो डिस्कार्ड करने वाला है वो डिस्कार्ड कर रहे हैं, मतलब आंखों पे विश्वास हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा मज़ा आया जी, आला बिरयानी थी। सबसे बड़ी चीज़ें, हमारा ईमान पुख्ता होगा, सारे मामला अपने आप अच्छे होते रहे। बिल्कुल एब्सोल्यूट, सारी जिंदगी की और बुनियाद सबसे असल चीज़ जो है ईमान। ईमान करेक्ट, अगर ईमान सही है सब कुछ सही है। सब कुछ सही है, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। और बड़ा मज़ा आया जी, हैं जी। और इतना प्रेशर नहीं फील होता अभी आपको कि इदरीस का नाम जो है बिल्कुल ऐसे मुकाम पे रखना है? हम लोग जमीने वाले आदमी हैं, जमीन वाले ही रहेंगे। और कमी तो आसमान को भी जमीन की है, जमीन को आसमान की कमी है। कोई ऐसा कोई बशर नहीं जिसमें खामियां ना हो, खामियां ना हो। सही कह रहे हैं, ये अल्लाह की फजीलत। अगर एक शाम मुकम्मल बना देता तो किसी को जरूरत ना होती। हमें आपकी जरूरत है, दूसरे को आपकी जरूरत है, उन्हें किसी और की जरूरत है। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक असबाब बनाया। सही कह रहे, अगर मजदूर ना होता तो बिल्डिंगे ना बनती, बिल्डिंगे ना बनती, मुलाजिम ना होता तो काम नहीं होता। अरे वाह, नवाब थोड़ी कर सकते हैं। खैराना गुफ्तगू हो गई आज है। बहुत बहुत नवाजी का शुक्रिया। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको, आपके चैनल को खूब तरक्की दे, खूब कामयाबी दे। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज व अमान में रखे, आफियत के साथ, खैर के साथ, हक हलाल की रोजी दे परवरदिगार, और अपने देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल, सबसे हुज़बुल वतनी असल ईमान, हुज़बुल वतनी असल ईमान, असल ईमान। ठीक है, जो अपने वतन से मोहब्बत रखेगा उसका ईमान ईमान वही असल ईमान वाला है। पूरे प्रदेश में निहारी का जब भी जिक्र होगा तो अकबरी गेट के रहीम कुलचा निहारी का नाम सबसे ऊपर आएगा, और इत्तेफाकन गूगल भी यही राय रखते हैं। ये है जी यहाँ का अकबरी गेट, और ये चौक है, यहाँ से दाएं मुड़ जाएंगे तो यहीं पे आपको पहुँच जाएगी लखनऊ की मेरे ख्याल से सबसे बेहतर कुलचा निहारी, रहीम कुलचा निहारी। मैं वहीं जा रहा हूँ। यहाँ की गलियाँ बिल्कुल जामा मस्जिद के मटिया महल इलाके की तरह लग रही है। जगह जगह रहीम के नाम के बोर्ड लगे हुए थे, और उनको देखते देखते मैं पहुँच गया रहीम कुलचा निहारी पर, जहाँ बैठे कारीगर कुलचा और शीरमाल तैयार कर रहे थे। ये सर क्या है? ये कुलचा बोलते हैं इसको। कुलचा निहारी के साथ खाया जाता है। ठीक है, किसका बनता है ये? ये मैदे का बनता है, दूध का, दूध घी पानी। दूध घी पानी, बहुत बढ़िया। ये शीरमाल, ये तो शीरमाल हो गया। शीरमाल भी दूध घी पानी का होता है ये। ठीक है, इसमें कलर डाला जाता है। ये निहारी के साथ खाया, ग्रेवरी के साथ। ठीक है, ये किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, किसी के साथ खा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये मैं एक निहारी के साथ जरूर खाऊंगा। और यहाँ आप तपिश वगैरह के लिए सारा कोयले का इस्तेमाल होता है? कोयले का इस्तेमाल, कोयले का इस्तेमाल जी, बहुत बेहतर। मैंने नीचे कुलचा और निहारी ऑर्डर कर दी, जो धनिया में सज कर जल्द ही मेरी टेबल बना। निहारी एक अरबी शब्द नाहर से बना है, जिसका मतलब होता है सुबह। रहीम की निहारी, ये दरअसल रात के 8-10 घंटे धीमी आंच पर पकने वाला स्ट्यू है, जिसमें रात भर में गोश्त और नली का बोन मैरो शोरबे में मिलकर उसे काफी गाढ़ा बना देते हैं। इसके बनाने में खड़े मसालों का भरपूर इस्तेमाल होता है, और सेहत के लिहाज से ये काफ़ी अच्छी समझी जाती है। ये लिए जी मैंने कुलचे का पीस, और साथ में पहले तरी के साथ लगा के देखता हूँ मैं। कुलचे में पफ किसी जैसे क्रस्ट होती है ना, वैसी फीलिंग आ रही है। और निहारी तो खैर कहने वाली बात ही क्या है, मसालों से भरपूर,
एकदम पड़ी हुई मकबूल मसाले वाली और बेहद जायकेदार, मज़ा आ गया खा के। पहले का टाइम होता था जब निहारी को एक सुबह का यू नो ब्रेकफास्ट समझा जाता था, लेकिन आजकल ये हर मौसम में और हर वक्त मिलती है, बेहतर। और गोश्त का पीस बड़ा ही सॉफ्ट, टेंडर और जूसी था, जिसे दबाते ही शोरबा बाहर निकलता महसूस किया जा सकता था। यहाँ के टाइमिंग्स हैं सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12:30 बजे, और यही मैंने शोएब अहमद जी से विदा ली। मैं अब चल पड़ा था लखनऊ के चौक इलाके में, जो जाना जाता है मलाई मक्खन, मठा और इंतहाई मजेदार ठंडाई के लिए, और इन्हीं में से थी मेरी आज की तीसरी मंजिल, देसी मठा। और चौक के ठीक बीचों बीच प्रेम मिष्ठान भंडार के ठीक सामने यादव जी का देसी मठे वाला काट लगता है। नमस्कार जी, यहाँ देखा हमने मठा मिल रहा है, तो कुछ बताइए मठे के बारे में। इसे देसी, ये देसी मठा है, जैसे देहातों में हांडी में दूध को कंडों में पका के 10-12 घंटे रख दिया, पक गया, अच्छा। लाल हो गया, उसके बाद जो दही जमाया जाता है, अच्छा। दही जमा के उसे उसका छाछ बनाया जाता है, मठा मतलब उसको मथानियों से मत के, जैसे महाभारत वगैरह में आपने देखा होगा मठा और मक्खन बनते हुए, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। जी तो लस्सी और इसमें क्या अंतर करेंगे? लस्सी अलग चीज, लस्सी का मतलब बॉइल्ड दूध की बनती है, वो वाइल्ड होती है, ये देसी जो हांडी में कंडों में पकाया जाता है, दूध धीमे धीमे लाल हो जाता है, अच्छा। इस वजह से ये जी हांडी वाला देसी मठा, जो जैसे देहातों में देखा होगा गाँव वगैरह में, ये हांडी में दूध पकाते हैं, उसको बनाते हैं। पिलाइए जी जरा एक ग्लास। ये है जी, एक बार कह लें देहात का जायका है, और ये महाभारत, महाभारत का जायका है, श्री कृष्ण के जमाने का है ये मठा। अच्छा 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 अच्छा। इसमें ये पत्ते वत्ते तो किस चीज़ के हैं, वो तो नहीं होते? ये दिखाएं, ये किससे करते हैं मत्ते हैं? ये मधानी बोलते हैं ना इसको? हाँ 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 हाँ। ये देखिए इतनी बड़ी है, ये भारी नहीं निकल रही है, टेढ़ी करके निकालनी पड़ेगी ऐसे। ये है जी मधानी, ये मैंने अमृतसर में भी कवर किया था, और वहीं ये इसमें भी जग में भी बेलते थे इससे, और ये मठा भी इसी से कर रहे हैं। नमकीन है ये, है नमक पड़ा हुआ ऑलरेडी? नमक, जीरा, काली मिर्च, पुदीना। अरे वाह 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 वाह। ठीक है, देखिए जी देसी मठा। ओए होए, ये बड़ा ठंडा ठंडा है यार, मज़ा आ गया पी के। इसमें डाला हुआ है जीरा, काली मिर्च, हींग, पुदीना। हाँ हाँ, इसमें डाला हुआ है जी जीरा, काली मिर्च, हींग और पुदीना, बड़ा ही आला टेस्ट है। तो देसी बियर हो गई है? नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बियर हम लोगों के इतिहास में थोड़ी है। मजा आ गया, बहुत आला जी, बहुत आला। ये है जी मठा। थैंक यू। आपका नाम सर? अनिल यादव हैं? अनिल कुमार यादव। अनिल कुमार यादव जी, ठीक है ठीक है। चौंक का ये एक और मज़ेदार जायका जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे कार्ट्स लगी हुई हैं गिनती से, और इसको क्या बोलते हैं, मलाई मखन? दिल्ली में इसको शायद दौलत चाट बोला जाता है, है ना? दौलत की चाट बोलते हैं ना ये। वैसे तो ये सर्दियों का माना जाता है ना, ये मौसम से चालू हो जाता है, जन्माष्टमी से चालू हो जाता है। अच्छा, जन्माष्टमी से चालू हो जाता है, मार्च में बंद हो जाता है। अच्छा, मार्च में बंद हो जाता है, ठीक है बढ़िया बढ़िया। एक प्लेट लाएं आप। शुक्रिया। अच्छा पहले आप मेरे को बताओ इसमें डलता क्या क्या है? आपका नाम क्या है? कुणाल। कुणाल, कुणाल कश्यप। कुणाल जी ये बताइए इसमें होता क्या क्या है? इसमें होता है दूध, क्रीम, पहले दूध आता है उसको उबालते हैं, उबाल के ठंडा किया जाता है, ठंडा करके फिर क्रीम आती है। अच्छा। क्रीम उबाल के मिक्स किया जाता है, ठीक है। मिक्स करके उसमें बर्फ में लगा देते हैं, ओस में धर देते हैं, ओस में धर के सुबह मथने लगते हैं मथानी से, मथ के यहाँ ले आते हैं।
इसमें केसर पड़ती है, चीनी पड़ती है, केवड़ा पड़ता है, इलायची पड़ती है। टाइमिंग्स क्या है यहाँ के? यहाँ की टाइमिंग है 5 से 1 बजे तक। सुबह 5 से? पाँच से 1 बजे तक। सुबह 5 से 1 बजे तक आप आ जाते हैं और 1 बजे के बाद खाता। हमारा नाम है अतील अहमद, मैं चौक चौराहे पे खड़ा हूँ पुराने लखनऊ में। ठीक है। यहाँ में खाने पीने में जैसे कि मक्खन मलाई हो गया, राधे लाल की चाट हो गई, मिठाई हो गई, खाने में मक्खन मलाई, नहाने में गंगा, पहनने में लखनऊ का कुर्ता सूट साड़ी, ये हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है पुराना लखनऊ। लो जी, चौक पे खड़े हैं और खा रहे हैं दौलत की चाट, और यहाँ इसको बोलते हैं मक्खन मलाई। ये है जी मक्खन मलाई, बिल्कुल फोम की तरह मुंह में जाते ही घुल रही है। क्रीम इसका मेन इंग्रेडिएंट है, बाकी मलाई वगैरह इसमें डाली हुई है और ड्राई फ्रूट्स और पिस्ता है। आला, और चांदी का वर्क लगाया हुआ है जी इन्होंने, बहुत मज़ेदार। मैं जब चांदनी चौक पे बना रहा था तो मेरी ये मिस हो गई थी क्योंकि मैं गर्मियों में गया था। ये सर्दियों की डिश है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ कब से स्टार्ट हो जाता है? इस मौसम से स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है, होली तक चलता है। बहुत आला, मज़ा आ गया। अच्छा जी, शुक्रिया हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चौक से निकलकर मैं चल पड़ा था अपने होटल की ओर। मेरी आज खुशकिस्मती रही कि जिन जायकों पर लखनऊ भी गुमान करता है, मुझे आज उनसे रूबरू होने का मौका मिला। मटन बिरयानी। अगली कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।